हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सबै आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मे बी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैं ये लेकर आया हूँ। इन सभी के आंसर डायरेक्ट आंसर होंगे, वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एचआरएम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम इन 21st सेंचुरी। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और इसका क्या रोल है 21st सेंचुरी में, ये एक्सप्लेन करना है आपको। 8 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, व्हाई इज इट पोजेसिंग अ चैलेंज टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है और आज के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन ये के लिए ये एक चैलेंज क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका और पार्ट में, फर्स्ट है डिस्कस द मेन फंक्शन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, डाउनसाइजिंग इज अ प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये बोला है जो डाउनसाइजिंग होती है वो एक तरीके से पोजिशन को एलिमिनेट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे, ये एक्सप्लेन करना है आपको। 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। सेकेंड आएगा फिर आपका, डिफाइन एचआर पॉलिसी एंड डिस्कस देयर नेचर एंड इंपॉर्टेंस। एचआर पॉलिसीज क्या होती हैं, इनका क्या नेचर होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम इन इंडिया। एचआरएम का इंडिया के अंदर कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये एक्सप्लेन करना है आपको। 7 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू यूज टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बोला गया है कि ट्रेनिंग का क्या फायदा है एम्प्लॉई को प्रोवाइड करवाने का और आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है या नहीं है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस बताना है। ब्रीफली डिस्कस एनी टू मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल के कोई दो मेथड आपको बताने हैं। 7 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब एनी फोर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट की आपको कोई चार टेक्निक्स बतानी है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ प्रमोशन, मेरिट और सीनियरिटी, इलेबरेट। प्रमोशन का क्या बेसिस होता है, मेरिट या सीनियरिटी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द नीड फॉर एम्प्लॉई काउंसलिंग इन इंडस्ट्री अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ कंफ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ रहा था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बेस कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बेस कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन करना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई इज एम्प्लॉई काउंसलिंग रिक्वायर्ड, स्टेट द वेरियस टाइप ऑफ काउंसलिंग। एम्प्लॉई काउंसलिंग की जरूरत क्यों होती है और ये कितने टाइप की होती है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या होता है, ब्रिंग आउट द नीड फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटी टू वर्कर और वर्कर को वेलफेयर फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं आप, तो 8 मार्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन इंडियन इंडस्ट्री। 7 मार्क का आपका क्वेश्चन है। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं तीन पर शॉर्ट नोट लिखना है। एचआरआईएस, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपको किन्हीं तीन पर लिखना है, इनमें से ये दो ही क्यों दिए हैं। यहाँ हो सकता है ये हाफ क्वेश्चन हो, लेकिन ये दोनों आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये दोबारा से फिर यही रिपीट हो गया, ये रिपीट है, ये आपको नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर में से मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ।
इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने वीडियो का पार्ट वन भी अपलोड कर रखा है, पार्ट टू ये हो गया और इसके बाद अभी एक पार्ट थ्री और आने वाला है, तो अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।